पाठ दो। मेरा परिवार। मैं दीपू हूँ, यह मेरा परिवार है। मेरे परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। मैं, मेरी बहन कल्पना, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे दादाजी तथा मेरी दादी जी। यही मेरा छोटा सा परिवार है। मेरा परिवार सुखी, संपन्न तथा शांति से भरा है। मेरी बहन कल्पना बहुत ही प्यारी लड़की है। वह मुझे बहुत प्यार करती है। वह मेरे साथ खेलती है। वह माता पिता तथा गुरुजनों का बहुत आदर करती है। वह विद्यालय समय से जाती है तथा अपना गृह कार्य होमवर्क भी समय से करती है। मेरे पिताजी एक आदर्श व्यक्ति हैं। वे मुझे बहुत प्यार करते हैं। वे एक अध्यापक हैं। वे बहुत ईमानदार तथा परिश्रमी हैं। समय की उपयोगिता वे अच्छी तरह से जानते हैं। वे सही समय पर अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। वे मुझे तथा मेरी बहन को भी समय से काम करने के लिए कहते रहते हैं। मेरी माताजी एक आदर्श महिला हैं। अपने कार्य को समय से करने से वे कभी पीछे नहीं हटती। वे अधिकांश समय हमारी देखरेख तथा पढ़ाने में बिताती हैं। वे हमें सदैव समझाती रहती हैं, दूसरों की सेवा करने से बड़ा कोई सुख नहीं है। गरीब, बीमार तथा असहाय लोगों की सेवा करना ही बड़ा धर्म है। मेरे दादाजी एक अवकाश प्राप्त रिटायर्ड थल सेना अधिकारी हैं। अधिक आयु होने पर भी वे काफी हृष्ट पुष्ट तथा शक्तिशाली हैं। इस आयु में भी वे गन्ना तथा अखरोट खा सकते हैं। वे भी समय के पाबंद हैं। वे हमें प्रतिदिन पार्क में घुमाने ले जाते हैं। वहाँ वे स्वयं दौड़ते हैं तथा हमें भी दौड़ाते हैं। वे योगासन के बारे में भी जानकारी रखते हैं। पार्क में ही वे हमें विभिन्न योगासन सिखाते हैं। वे हमारे स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं। वे हमें साहसी बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। मेरी दादी जी धार्मिक विचारों की महिला हैं। वे अपना अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत करती हैं। वे हमें सदैव ही महापुरुषों की कहानी सुनाती रहती हैं। वे हमारी गंदी आदतों के प्रति सचेत रहती हैं तथा समय समय पर हमें गलत कार्य न करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। देर रात का समय हम अपनी दादी जी के पास ही गुजारते हैं। वे हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती रहती हैं। शिक्षा। हमें अपने परिवार में सुख तथा शांति बनाए रखना चाहिए। हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। हमें कभी भी शैतानी नहीं करनी चाहिए तथा अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए। हमें अपने माता पिता की सहायता भी करनी चाहिए।